नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करेंगे आपका यूनिट टू, जो कि आपकी रहेगी कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन की, यानी कि समकालीन भारत और शिक्षा। बीएड फर्स्ट ईयर का आपका ये सब्जेक्ट रहता है। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं और बीएड फर्स्ट ईयर में है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो भी यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, 100% आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। कोई भी इंपॉर्टेंट बीएड फर्स्ट ईयर की वीडियो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की आपकी बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए, अगर आप बीएड में अच्छी परसेंटेज लाना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज यूनिट टू और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको इसमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ। सबसे अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं, ठीक है, और रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, तो आपका ये विद्या का क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। विद्या के क्वेश्चन बैंक में आपको स्टार्टिंग में ही आपको पेपर दिया गया है 2022 का, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपका जो विद्या का क्वेश्चन बैंक है, यानी कि विद्या का जो मॉडल है बीएड फर्स्ट ईयर का, समकालीन भारत और शिक्षा का है, ठीक है। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो इस क्वेश्चन बैंक में, यानी कि इस मॉडल में जो आपको सबसे पहले जो मिलता है वो आपको 2022 का समकालीन भारत और शिक्षा, यानी कि कंटेम्प्रेरी इंडिया का जो आपका 2022 में पेपर हुआ था रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का, वो मिलता है, ठीक है। उसका सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पेपर करना है, ठीक है। अगर आप कंटेम्प्रेरी इंडिया की तैयारी कर रहे हैं तो जो 2022 में आपका पेपर पूछा गया था, सबसे पहले आपको जो उसमें क्वेश्चन आए हुए थे वो सब आपको तैयार कर लेने हैं, ठीक है। इसकी PDF आपको मिल जाएगी, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो को कि कैसे आपको PDF बाय करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट टू और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन उसमें आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट टू में जो रहता है वो आपका यह है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा की प्रमुख विशेषताएँ कौन कौन सी हैं, विस्तृत व्याख्या कीजिए, ठीक है। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशियंट इंडिया एजुकेशन, डिस्क्राइब इन डिटेल। तो ये क्वेश्चन आपका यूनिट टू का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिशों का उल्लेख कीजिए, भारतीय शिक्षा आयोग के प्राथमिक शिक्षा से संबंधित सुझावों को बताइए, डिस्कस द रिकमेंडेशंस ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन, डिस्क्राइब द सजेशंस ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन अबाउट द प्राइमरी एजुकेशन। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने मॉडल पेपर पे इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है, यानी कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है, इस कथन के संदर्भ में शिक्षा एवं दर्शन के संबंध का वर्णन कीजिए, या फिर ऐसे आ सकता है कि शिक्षा और दर्शन के संबंध का वर्णन कीजिए, ठीक है। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द एजुकेशन एंड फिलोसफी, ठीक है, या फिर एजुकेशन इज़ द डायनेमिक साइड ऑफ फिलोसफी विद रेफरेंस दिस द स्टेटमेंट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है कि प्रयोजनवाद क्या है, प्रयोजनवाद के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रैग्मेटिज्म, एक्सप्लेन द मेन प्रिंसिपल ऑफ प्रैग्मेटिज्म, डिस्कस इन इम्पैक्ट ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है कि मानवतावाद से क्या तात्पर्य है, मानवतावादी दर्शन के अनुसार उद्देश्य शिक्षण विधियों तथा पाठ्यक्रम संबंधित विचारों को स्पष्ट कीजिए, व्हाट इज मीन्ड बाय द ह्यूमनिज्म, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव टीचिंग मेथड एंड करिकुलम एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिज्म। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि प्रकृतिवाद क्या है, प्रकृतिवाद ने भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों को कहां तक प्रभावित किया है, प्रकृतिवाद के दर्शन की विवेचना कीजिए एवं शिक्षा प्रणाली में इसके महत्व की विवेचना कीजिए, ठीक है। व्हाट इज नेचुरलिज्म, हाउ फार नेचुरलिज्म हैज इन्फ्लुएंस द एम्स ऑफ इंडियन एजुकेशन, या फिर डिस्क्राइब द फिलोसफी ऑफ नेचुरलिज्म एंड डिस्कस इट्स द इंपॉर्टेंस इन द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। एक ही क्वेश्चन है, ऐसे मत समझना कि अलग अलग क्वेश्चन है, एक ही आंसर आपको इसमें लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि रविंद्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचारों का वर्णन
शिक्षा के उद्देश्यों के संदर्भ में कीजिए। डिस्क्राइब द एजुकेशनल आइडियाज ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर विद रेफरेंस ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, यूनिट टू आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा दर्शन को स्पष्ट कीजिए। डिस्क्राइब द फिलोसफी ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू विवेकानंद। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है कि शिक्षा में उदार प्रवृत्ति के प्रभाव की विवेचना कीजिए। डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक टेंडेंसी इन एजुकेशन। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है कि कौशल विकास में व्यावसायिक शिक्षा की भूमिका की विवेचना कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन स्किल डेवलपमेंट। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में उसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है कि शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर प्रयोजन के प्रभाव की विवेचना कीजिए। डिफाइन द एजुकेशन, डिस्कस द डिफरेंट कंसेप्ट एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में उसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है कि शिक्षा में मोंटेसरी के योगदान की व्याख्या कीजिए। डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ मोंटेसरी इन एजुकेशन। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है। तो यही थे आपके यूनिट टू के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। और इसके साथ आपको 2022 का जो आपका 2022 का आपका पेपर पूछा गया था कंटेम्प्रेरी इंडिया का, वो भी आपको करना है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा आपके विद्या के क्वेश्चन बैंक की, जो विद्या के मॉडल पेपर होते हैं, ठीक है। ये आपके बीएड फर्स्ट ईयर के रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के विद्या के मॉडल पेपर हैं सभी के सभी, ठीक है। और ये जो है आपका, ये आपका अनसोल्ड है। तो जो आपका अनसोल्ड है उसके अंदर आपके 2015 से लेकर 2022 तक के प्रीवियस ईयर के पेपर दिए हुए हैं, यानी कि जो आपकी यूनिवर्सिटी ने अभी तक 2022 से लेकर 2015 के पेपर कराए हुए हैं वो इस अनसोल्ड के अंदर दिए गए हैं, ठीक है। और इस अनसोल्ड का जो सॉल्यूशन है, जो इस अनसोल्ड के अंदर पेपर है, उन सभी का सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चन का आपको विद्या के क्वेश्चन बैंक में मिल जाता है, जो मैंने अभी आपको दिखाई है, ठीक है। विद्या के क्वेश्चन बैंक में क्या है जो न्यू वाले हैं, सबसे पहले आपको 2022 का पेपर दिया गया है। हर एक जैसे आपका चाइल्डहुड ग्रोइंग अप का है, तो सबसे पहले इसमें जो 2022 का पेपर हुआ था वो दिया गया होगा। कंटेम्प्रेरी इंडिया में भी ऐसे सबसे पहले आपको 2022 का जो पेपर है वो दिया गया है। बाकी जो यूनिट वाइज है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आगे आपके सन मेंशन है, ठीक है। ध्यान देना, जो भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया है विद्या के क्वेश्चन बैंक में, वो क्वेश्चन के आगे आपका सन ईयर मेंशन किया गया है, और सूर्य के क्वेश्चन बैंक में आपका ईयर मेंशन नहीं किया गया। ये आप अपने क्वेश्चन बैंक खोल के देख सकते हो, सबसे बड़ा डिफरेंस आपको यही दिखता है। इसलिए आपको पता चल जाता है कि विद्या में क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, और इसलिए सूर्य में आपको नहीं पता चलता क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है। और सूर्य का कंटेंट इस अनसोल्ड के साथ आपका मैच भी नहीं करेगा। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर सूर्या से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइएगा, सूर्या से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे क्या ही, उसमें क्वेश्चन है ही नहीं अनसोल्ड वाले, तो क्या ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें से आप ढूंढ पाओगे, ठीक है ना। तो सूर्या का क्वेश्चन बैंक बिल्कुल वेस्ट रहता है बीएड फर्स्ट ईयर में रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, ठीक है। विद्या के क्वेश्चन बैंक देखो, अगर आपने सूर्य के क्वेश्चन बैंक ले लिए हैं तो आप विद्या के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ मुझसे बाय कर सकते हो, क्योंकि आपके जो विद्या के क्वेश्चन बैंक है उसमें से ही आपका पेपर आएगा, ठीक है। हर साल आता ही है, ठीक है। जो भी विद्या के क्वेश्चन बैंक बाय करने के इच्छुक है, विद्या के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ अगर कोई भी आप बाय करने के इच्छुक हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8445799336, ठीक है। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर देंगे कि सर रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर की विद्या के क्वेश्चन बैंक चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको विद्या के क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। एक बात और ध्यान से सुनना, हिंदी में ही है विद्या के जो क्वेश्चन बैंक आते हैं वो हिंदी लैंग्वेज में ही आते हैं, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में विद्या के क्वेश्चन बैंक नहीं आते हैं, ठीक है। तो अब इंग्लिश लैंग्वेज जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं जो इंग्लिश में पेपर देंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, उनको भाई सूर्या ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ना चाहकर भी उनको, क्योंकि सूर्या ही आपका इंग्लिश लैंग्वेज में आता है, तो ना चाहकर आपको सूर्या ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप हिंदी में पेपर देना चाह रहे हो तो आप आराम से इजीली विद्या के क्वेश्चन बैंक मुझसे बाय कर सकते हो, उसकी पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अगर नहीं कुछ भी बाय नहीं करा है, तो अगर बाय करने हैं तो मैं यही कहूँगा शॉप से, अगर आपने ना तो सूर्या बाय करा है और ना ही विद्या बाय करा है, तो आप शॉप से जो भी क्वेश्चन बैंक बाय करोगे सिर्फ विद्या का ही करना, सूर्य का मत करना, अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, सूर्या को लेकर आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। और वो बच्चे जो बाय कर चुके हैं सूर्य का ऑलरेडी, ठीक है, क्योंकि जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं यूनिट वाइज, ठीक है, अगर ये आपके सूर्य के क्वेश्चन बैंक में मिल जाते हैं तो सही, अगर नहीं मिलते हैं,
ठीक है, तो आप मुझसे PDF बाय कर सकते हो विद्या की, है ना, क्योंकि और मुझे पता है नहीं मिलेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके अनसोल्ड के मिलने बंद हो जाते हैं, मैच होने बंद हो जाते हैं सूर्या के अंदर, ठीक है, तो दिक्कत फेस करते हैं बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे रॉयल कॉलेज यूनिवर्सिटी के, ठीक है। तो इसलिए ये आपको सुविधा दी गई है कि आप PDF मुझसे बाय कर सकते हो, इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर देना, ठीक है। जो PDF बाय करने के इच्छुक है सिर्फ वही मैसेज करना, आलतू फालतू कोई मैसेज मत करना, वरना मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। आपके पैडागोजी सब्जेक्ट के भी PDF है, ठीक है, और आपके जो कंपलसरी पेपर है उनके भी PDF है, ठीक है। तो अगर आप इच्छुक हैं तो मैसेज कर सकते हो। तो यही थे आपके यूनिट 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, कंटेम्प्रेरी इंडिया के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ठीक है। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का पेपर मैं पूरा यूनिट वाइज कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है, और जो ये दूसरा पेपर चल रहा है आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया का, ठीक है, इसकी यूनिट फर्स्ट मैं कंप्लीट कर चुका हूँ और आज ये यूनिट 2 कंप्लीट कर दी है। धीरे धीरे फटाफट से जल्दी से 5 यूनिट एक दिन के अंदर, मतलब 2 दिन के अंदर मैं आपके 5 यूनिट कंप्लीट करा दूंगा कंटेम्प्रेरी इंडिया की, ठीक है। तो चलिए बने रहिएगा चैनल से, जुड़े रहिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी पता चलता रहे कि टीचर सॉल्यूशन पे आपकी यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं और वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल 100% आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए बने रहिएगा, जमे रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखिएगा, अपने बहन भाई का ध्यान रखिएगा और अपना खुद का भी, और पढ़ते रहिएगा। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।